नमस्कार दोस्तों, सीसी के इस लाइव लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, नृत्य प्रति हमारी यही कोशिश है कि आपकी जिज्ञासाओं को, आपकी रुचि को यहाँ पर हम पूर्ण करें। बताना चाहेंगे, अपने पिछले 4 व्याख्यानों में हमने कालिदास के अभिजान शकुंतलम पर विस्तृत रूप से चर्चा की और आज भी हम कालिदास के अभिजान शकुंतलम पर ही चर्चा करेंगे। अपने पिछले सेशन में हमने Act 4 की शुरुआत की और वहाँ हमने बहुत कुछ जाना, लेकिन हमारी यही कोशिश रहती है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान दें, इसीलिए आज भी हम Act 4 पर ही चर्चा करेंगे और इसे आज पूर्ण करने की कोशिश करेंगे। इस सेशन के लिए मित्रों, एक बार फिर से हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर पंकज मिश्र। डॉक्टर पंकज मिश्र सेंट स्टीफन्स कॉलेज के संस्कृत विभाग में एसोसिएट प्रोफेसर हैं। सीसी के लाइव लेक्चर्स के माध्यम से आप सभी तक संस्कृत विषय संबंधित विभिन्न ज्ञान आप तक पहुँचाते हैं। मित्रों, अगर आप आज डॉक्टर पंकज मिश्र से प्रश्न पूछना चाहते हैं विषय संबंधित, तो आप सभी से अनुरोध है आप हमारे टोल फ्री नंबर के माध्यम से हमसे संपर्क करें। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-110-430। नंबर पुनः नोट करें 1800-110-430। अब मैं डॉक्टर पंकज मिश्र का स्वागत करना चाहूँगी और अनुरोध करना चाहूँगी कि आप इस व्याख्यान के माध्यम से एक बार फिर हमारे सभी दर्शकों को, हमारे सभी छात्र छात्राओं को लाभान्वित करें। डॉक्टर मिश्र, आपको बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू गीतिका जी। सुप्रभातम मित्रों, चतुर्थ अंक जिसके विषय में पूरा संस्कृत नाट्य साहित्य है, जो यह जानता है कि जितने भी संस्कृत साहित्य के प्रमुख अंक हैं उन सारे अंकों में चतुर्थ अंक सर्वाधिक श्रेष्ठ माना जाता है। अपने पिछली व्याख्याक्रम में हमने दुर्वासा के शाप तक का विश्लेषण किया था चतुर्थ अंक में, और तदनंतर उसके बाद की जो घटना है उस घटना से आगे हम अपने इस व्याख्यान को आगे बढ़ाएंगे। और तदनुसार जब शिष्य प्रभात वेला आदि का विश्लेषण कर देता है और दो सांकेतिक पद्यों के माध्यम से शकुंतला के जीवन में आने वाली जो भावी अनिष्ट है, अनिष्ट घटनाओं की ओर संकेत देता है, उसके बाद पुनः अनसुया और प्रियंवदा में एक कह सकते हैं कि एक चिंता की भावना देखी जाती है, दोनों चिंतित हैं। लेकिन उसी समय प्रियंवदा एक सूचना लेकर आती है, जिस सूचना के बाद से आज की यह व्याख्या में आगे रखूंगा। लेकिन उससे पहले हम इसमें यह जान लें कि आज जो हमारे जो मूल हमने पूरे चतुर्थ अंक की जो समस्त घटना है उनको जिस रूप में बांटा है उसको चर्चा में लाते हैं। पहला है विष्कंभक, जिसका विस्तृत विवेचन हमने किया। इसके बाद शकुंतला का आमंडन, यानी आज हम शकुंतला के आमंडन से लेकर के चलेंगे। शकुंतला की विदाई की सूचना की बात आती है, शकुंतला की विदाई का उपक्रम प्रारंभ होता है, तपस्वियों तपस्विनियों का आशीर्वाद प्राप्त होता है, ऋषि कण्व की चिंता इसमें दिखाई जाती है, ऋषि कण्व के द्वारा दुष्यंत और शकुंतला का उपदेश का वृत्तांत हम जानेंगे, शकुंतला के कुछ प्रश्न है ऋषि कण्व के लिए, वे शकुंतला के प्रश्न क्या है हम उनका विश्लेषण करेंगे, उन प्रश्नों का ऋषि कण्व किस प्रकार उत्तर देते हैं इसको जानेंगे, और अंत में जो ऋषि कण्व का शोक है जहां पर की चतुर्थ अंक की परिणति होती है हम लोग वहां तक जानने की कोशिश करेंगे। तो सर्वप्रथम शकुंतला के आमंडन की चर्चा कर लें मित्रों। इसी बीच सूचना आकर के मिलती है, इसी बीच सूचना दी जाती है प्रियंवदा के द्वारा कि सखी त्वरस्व त्वरस्व शकुंतलायाः कौतुक मंगलम दृश्यते, मतलब शकुंतला के जो विवाह के बाद की विदाई है उस विदाई के अवसर, विदाई की तैयारियां चल रही हैं, यह प्रियंवदा आकर के अनसुया को यह सूचना देती है। लेकिन उस सूचना के साथ इसके मन में, अनसुया के मन में चिंता उत्पन्न होती है कि भाई अरे अचानक ये सारी बातें चल रही थी, ऋषि कण्व आदि का की कोई सूचना नहीं है और यह शकुंतला की अचानक विदाई की बात कैसे आ गई। तो इसके मध्य, इसे पूर्व एक छोटी सी ये बात है कि ऋषि कण्व जो कि शकुंतला के प्रतिकूल ग्रह के शमनार्थ सोम तीर्थ गए हुए थे, वे वापस आ जाते हैं और उनको यज्ञ कुंड में एक आकाशवाणी से यह सूचना मिलती है कि शकुंतला गर्भवती है और इनका दुष्यंत के साथ विवाह हो गया है। तो शकुंतला की इस दशा को जान करके कण्व ऋषि शीघ्र ही निर्णय लेते हैं कि यथा शीघ्र शकुंतला की विदाई की जाए, शकुंतला को पतिगृह भेजा जाए।
तदनंतर वही ये इधर तैयारी चल रही है, अनसुया और प्रियंवदा को इसकी सूचना नहीं है, लेकिन प्रियंवदा जो बाहर से ये सूचना लेकर के आती है आपस में विमर्श करती है, अनसुया के प्रश्न का जवाब देती है, अनसुया पूछती है कि भाई आपको कैसे मालूम प्रियंवदा, तो इसका बड़ा सुंदर एक विश्लेषण बड़ी छोटी सी पंक्ति है, जिस छोटी सी पंक्ति में प्रियंवदा कहती है कि तावदेनाम लज्जाव नत मुखीम परिष्वज्य, यानी लज्जाव नत मुखीम शकुंतलाम परिष्वज्य तात काश्यपेन एवं अभिनंदितम, कि तात काश्यप के द्वारा ऐसा कहा गया, इस प्रकार की बातें की गई कि शकुंतला को पतिगृह भेजा जाए, और इस अवसर पर वो शकुंतला को उस यज्ञ कुंड के पास अपने गले से लगा करके तात कण्व कह रहे थे। क्या कह रहे थे? ये दोनों बड़ी ही सुंदर उपमा मानी जाती है काव्य क्षेत्र में, काव्य जगत में। महाकवि कालिदास यूं तो उपमा कालिदास से नाम से प्रसिद्धि को प्राप्त हैं, कई बार इसकी चर्चा हो चुकी है, उन्हीं में से ये दो सर्वाधिक प्रसिद्ध उपमा है, जिस उपमा के माध्यम से या जिन पंक्तियों के माध्यम से हम यह निश्चय लेते हैं, हम यह निष्कर्ष लेते हैं कि महाकवि कालिदास ने कण्व ऋषि के माध्यम से यह स्वीकृति दिलवाई है। और स्वीकृति क्या है? कि दृष्ट्या धूमा कुलित दृष्टेरपि यजमानस्य पावक एव आहुति है पतिता, यह पहली स्वीकृति है। और दूसरा जो स्वीकृति वाक्य है वह यह है कि दृष्ट्या सुशिष्य परिदत्ता विद्येवा शोचनीया से संवृत्ता। दोनों का विश्लेषण समझ लें। महर्षि कण्व कहते हैं कि जिस प्रकार यज्ञ में आहुति डालते समय यज्ञ के धुएं से आंखें चुंधिया जाती है, अर्थात आंखों के द्वारा देखने का व्यापार बंद हो जाता है धुआं के कारण, धुएं से अवरुद्ध होने के कारण, और उस चुंधियाई हुई आंखों से जिस प्रकार यजमान यज्ञ कुंड में आहुति देने की कोशिश करता हो, और संयोग से वह आहुति यज्ञ कुंड में ही गिरे, मानो उसी प्रकार अज्ञान में मोहवशात आकर्षणवश अगर शकुंतला दुष्यंत के साथ विवाह कर लेती है, दुष्यंत के साथ गांधर्व विवाह करती है, तो मानो सौभाग्य से दोनों अनुकूल को ही प्राप्त हुए, अर्थात शकुंतला अनुकूल दुष्यंत के हाथ में गई। दूसरे शब्दों में दोनों के विवाह का सहर्ष, जिसको कहते हैं स्वीकार, दोनों के विवाह को सहर्ष स्वीकार करना कण्व ऋषि के की इस पंक्ति से अभिव्यक्त होती है। और दूसरी बात भी कि इसमें किसी भी प्रकार की चिंता नहीं करनी है, निश्चिंतता की भावना दिखती है महर्षि कण्व में उस दूसरी पंक्ति से, जहां पर वो कहते हैं कि वत्से सुशिष्य परिदत्ता विद्येवा शोचनीयासी संवृत्ता, कि हे पुत्री जिस प्रकार श्रेष्ठ शिष्य को दी गई विद्या शोक का कारण नहीं बनती, उसी प्रकार मानो दुष्यंत को दी गई तुम शोक का कारण नहीं हो, अर्थात यहां पर दुष्यंत जो है वह सुशिष्य है और विद्या जो है वह शकुंतला है। तो जिस प्रकार विद्या श्रेष्ठ शिष्य को, कण्व ऋषि यहां गुरु हो गए, गुरु ने विद्या दी श्रेष्ठ शिष्य को, तो विद्या जिस प्रकार श्रेष्ठ शिष्य को देने के बाद अनुकूल व्यवहार करती है, जिस प्रकार विद्या श्रेष्ठ शिष्य के पास जाने के बाद शोक का कारण नहीं होती, मानो उसी प्रकार शकुंतला श्रेष्ठ शिष्य रूप दुष्यंत को जाने के बाद शोक का कारण नहीं बनती। तो इस प्रकार मित्रों यहां कण्व ऋषि की स्वीकृति मिलती है, और उस स्वीकृति के बाद जब अचानक क्या है, शकुंतला की विदाई के उपक्रम की भी सूचना मिलती है प्रियंवदा से, और प्रियंवदा देखती है, अनसुया देखती है कि ऋषि कुमार आदि जो हैं कोई निवार के दाने ले जा रहे हैं, कोई स्नान के जल ले जा रहे हैं, तो कोई स्वस्ति वाचन कर रहे हैं, तो कोई मंगल पात्र लेकर के जा रहे हैं, अलंकार आदि की व्यवस्था हो रही है। मित्रों ये जो चीज है ये इसको हम कह सकते हैं कि ये विदाई के अवसर के लिए उपकरण संभार संग्रहण जो है वह किया जा रहा है, जिसकी सूचना हमें संवाद के माध्यम से मिलती है। और इसी बीच कण्व ऋषि का शारंगरव मिश्र के लिए यह आदेश निकलता है, जिसमें कहते हैं कि आदिश्यंताम शारंगरव मिश्राः शकुंतला नयनाय, यानी शारंगरव मिश्र को, शारंगरव को, ऋषि शारंग जो शिष्य शारंगरव है, उनको आदेश दो, उनको आदेश दिया जाए कि जल्दी से शीघ्रता से वो शकुंतला को लेकर के आए। मित्रों महाकवि कालिदास का जो प्रकृति प्रेम है उसके विषय में जो भी कुछ कहा जाए वो कम ही होता है।
लेकिन जहां अवसर प्राप्त होता है महाकवि कालिदास को, वो प्रकृति की उपेक्षा नहीं करते और प्रकृति को पात्र रूप में उपस्थित करके उनका वे दोहन कर लेते हैं और मानो प्रकृति यहां पर समवाय संबंध से एक पात्र के रूप में विद्यमान हो जाते हैं। जो अलंकरण की चर्चा की, अर्थात शकुंतला की विदाई हो रही है तो अलंकार आभूषण आदि दिए जाने चाहिए, तो महाकवि कालिदास ने प्रकृति के माध्यम से इस आभूषण की भी व्यवस्था की है। बड़ा ही सुंदर पद्य है और यह पद्य क्षौमं केन चिदिन्दु पांडु तरुणा मांगल्यमाविष्कृतम निष्ठ्यूतश्चरणोपभोग राग सुलभो लाक्षारसः केनचित् अन्येभ्यो वन देवता करतलैरापर्व भागोत्थितैः दत्तान्याभरणानि नः किसलयोद्भेद प्रतिद्वन्द्विभिः। इस श्लोक के माध्यम से इतनी सी सूचना दी जा रही है कि किसी ने रेशमी वस्त्र दिया तो किसी ने पैर को रंगने के लिए लाक्षारस दिया तो किसी ने आभूषण के योग्य वहां उनको आभूषण के योग्य पुष्प आदि से निर्मित आभूषण दिए। जिस प्रकार हमारे यहां अपनी पुत्री के विदाई के अवसर पर स्वजन आदि स्नेहोपहार लेकर के आते हैं, मानो उस आश्रम की जो लताएं हैं, आश्रम के जो वृक्ष हैं, मानो इस रूप में उस स्वजन का जो प्रतिनिधित्व है वो कर रहे हैं। और तदनुसार महाकवि कालिदास ने यह हमारे सामने प्रस्तुत किया कि किसी ने आभूषण हाथ के आभूषण दिए तो किसी ने रेशमी वस्त्र दिया तो किसी ने पैर के रंगने के लिए महावर जिसे लाक्षारस महाकवि कालिदास ने प्रयोग में लाया है वह दिया। तो मित्रों इस प्रकार से ये प्रारंभ होती है और शकुंतला को सजाया संवारा जाता है। और इसी बीच हम पाते हैं क्या, जब शकुंतला बाहर आती हैं, गौतमी आदि उनको लेकर के आती हैं, कई सारी ऋषिकाएं हैं, तपस्विनियां हैं, वे सारे लेकर के आते हैं और ऐसा दृश्य दिखाया जाता है रंगमंच पर कि जितनी भी तपस्विनियां हैं साथ में, वह कोई ना कोई किसी न किसी प्रकार से उनको आशीर्वाद देती हैं। और तदनुसार हमने कुछ तीन चार आशीर्वाद का यहां संकलन किया है। एक कहती हैं, जाते भर्तुर बहुमान सूचकम महादेवी शब्दम लभस्व। तो दूसरी तपस्विनी कहती हैं कि वत्से वीर प्रसविनी भव। तीसरी कहती हैं वत्से भर्तुर बहुमता भव। जो चौथा आशीर्वाद है, ये दोनों सखियां हैं जो विल विशिंग, एक कह सकते हैं कि गुड विशेज है सखियों की ओर से कि सखी सुख मज्जनम ते भवतु। मित्रों लेकिन ये आशीर्वाद विशेष को मैंने यहां पर उद्धृत किया है, इसके पीछे कारण है। मैंने हमेशा से कहा है अभिज्ञान शाकुंतलम के विषय में कि यह एक व्यंग्य नाटक है जिसमें तत्कालीन जो श्रेष्ठ जन है उस श्रेष्ठ जनों की जो शक्ति है वो क्षीण पड़ती जा रही थी, कदाचित महाकवि कालिदास ने उसकी ओर संकेत दिया है। हम यहां पर जितने भी आशीर्वाद को देख लें, इसमें एक भी आशीर्वाद फलीभूत नहीं होता पूरे के पूरे अभिज्ञान शाकुंतलम में, खास करके शकुंतला के लिए। अगर हम एक पहला आशीर्वाद लें, क्या कह रहे हैं, भर्तुर बहुमान सूचकम महादेवी शब्दम लभस्व। मित्रों जिस किसी ने पूरे अभिज्ञान शाकुंतलम का पारायण किया हो वे बखूबी इस तथ्य को जान सकते हैं कि पूरे अभिज्ञान शाकुंतलम में शकुंतला कभी महादेवी नहीं बन पाई। वो सफर करती रही, वो संघर्ष करती रही और जो एक कह सकते हैं कि रानी का जो सुख है, महादेवी का जो सुख है, उस सुख का उपभोग कभी नहीं कर पाई, इसलिए यह आशीर्वाद फलीभूत होता नहीं दिखता। वीर प्रसवनी भव, ठीक है वीर पुत्र को जन्म दो और हम कह भी लेते हैं कि सर्वदमन को जन्म देती है। यह वीर प्रसवनी भव कहीं ना कहीं एक रूप से अपना गहरा छाप यह आशीर्वाद अवश्य छोड़ता है, क्योंकि सर्वदमन जो कि शकुंतला का पुत्र है उसमें वीरत्व का आधान किया गया हम देखते हैं, क्योंकि जब सातवें अंक में दुष्यंत मारीच ऋषि के आश्रम में उतरता है तो वहां के आश्रम में वह एक छोटे से बालक को देखता है कि शेर के बच्चों से खेल रहा होता है और उसके मुंह में हाथ डाल करके उनके दांतों को गिन रहा होता है। तो इस आधार पर यह निष्कर्ष तो जरूर निकाला जा सकता है कि शकुंतला का वह पुत्र सर्वदमन बचपन से ही वीर है। तो इस तरह से वीर प्रसविनी भाव जो है हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में है। लेकिन जिस वीरता शब्द की व्याख्या की जाती है कि पूरे युद्ध भूमि में शत्रुओं को परास्त करने वाला, तो अभिज्ञान शाकुंतलम का जो भरत है, अभिज्ञान शाकुंतलम का जो सर्वदमन है, उनमें हम इस जो
कह सकते हैं कि प्रौढ़ वीरत्व है वह आधान महाकवि कालिदास ने नहीं किया है, क्योंकि एक शिशु रूप सर्वदमन मात्र का यहां पर विश्लेषण किया है। तीसरा आशीर्वाद है भर्तुर बहुमता भव। कहां से दुष्यंत की बहुमता शकुंतला हो गई? कभी नहीं। मित्रों, मैंने पिछली कक्षा पिछले व्याख्यान में यह कहा था कि विवाह से पूर्व ही सारे प्रणयों का प्रदर्शन हो जाता है, उसके बाद कदाचित हमने संस्कृत साहित्य में भवभूति के अतिरिक्त कहीं नहीं देखा कि किसी पति और पत्नी के मध्य इतना सुंदर प्रणय दिखाया गया हो। किंतु जब यहां पर महाकवि कालिदास भर्तुर बहुमता भवा दुष्यंत के लिए, दुष्यंत के संदर्भ में शकुंतला के लिए कहलवा रहे हैं, तो कहीं भी इसकी छाया अभिज्ञान शाकुंतलम में नहीं दिखती, क्योंकि पूरे अभिज्ञान शाकुंतलम में शकुंतला अपने पति दुष्यंत की कभी भी सम्माननीय नहीं बन सकी। और यही कारण था कि अंत में नाटक के अवसान पर महाकवि कालिदास ने दुष्यंत के द्वारा की गई गलतियों की क्षमा याचना शकुंतला के पैरों पर गिरवा करके करता है। दूसरे शब्दों में संस्कृत साहित्य अथच विश्व साहित्य में पूरे मंच पर एक चक्रवर्ती राजा के द्वारा एक सामान्य नारी, दूसरे शब्दों में पत्नी के पैरों पर गिर करके क्षमा याचना किसी भी पति में दिखाया जाना, ये अपने आप में एक अद्भुत, एक क्रांतिकारी, एक परिवर्तन लाने वाला यह संदेश दिखाता है महाकवि कालिदास अभिज्ञान शाकुंतलम में। यहां तक कि अगर हम राम के चरित्र को इसके अगर नाटक में प्रयोग में लाए जाने वाले राम के चरित्र की बात करें, तो जिस राम ने शकुंतला सीता के प्रति अपराध किया है, उस राम ने कभी भी सीता के लिए क्षमा याचना नहीं की है। सीता के लिए जो की गई गलतियां हैं राम के द्वारा, उनमें किसी भी कवि ने, किसी भी इस प्रकार के चिंतक ने राम में वो क्षमा याचना की भावना नहीं दिखाई है। विलाप जरूर दिखाया है, विरह जरूर दिखाया है, लेकिन कभी भी इस तथ्य का बोध नहीं करवाया है राम के द्वारा कि उन्होंने सीता के प्रति न्याय नहीं किया है। अस्तु, इसके बाद हम बड़ी सुंदर एक विवेचन देखते हैं कि आश्रम में विरह से जन्य जो शोक है, उस शोक का वातावरण दिखाई देता है। सारे के सारे लोग, अनसुया, प्रियंवदा, ऋषिकाएं, तपस्विनियां, सारे दुख में, चिंता में मग्न है, आंखों से आंसू निकल रही है। तो उसमें अनसुया प्रियंवदा की टिप्पणी निकल कर आती है, चर्चा में बातें निकल कर आती है, और शकुंतला उनको कहती है कि मत रो। तो कहते कि नहीं, तुम्हारे विरह में ये सारे जो आश्रम की दशा है, सारे जो आश्रम के जन कह सकते कणकण जितने भी जीव जंतु है, सब में तुम्हारे प्रति जो है तुम्हारे विरह से उत्पन्न शोक दिखता है। और एक बड़ा ही सुंदर पद्य महाकवि कालिदास ने शकुंतला के विरह में जो आश्रम में रहने वाले पशु पक्षी हैं उनका चित्रण किया है कि किस प्रकार वो विरह में मग्न है, दुखी हैं। श्लोक है, उद्गलित दर्भ कवला मृग्यः परित्यक्त नर्तना मयूराः अपश्रुत पांडु पत्राणि मुंचयन्त्यश्रूणीव लता। मित्रों, इसके माध्यम से जो सामान्य सी बातें कही जा रही है कि हिरण ने अपना खाना छोड़ दिया, अर्थात हिरण जो घास का कौर निवाला लेते हैं उसको उन्होंने छोड़ दिया, घास खाना छोड़ दिया है। मयूर जो कि नृत्य के लिए माने जाते हैं, शकुंतला के विरह में, अर्थात शकुंतला आज से नहीं रहेगी, इस विरह में शकुंतला ने मयूरों ने नृत्य करना बंद कर दिया। तीसरी, अपसृत पांडुपत्राणी मुंचयंत्य शूनी वलता, जो लताएं हैं, जो क्रीपर्स, जो लताएं हैं जंगल की, वे जंगल की लताएं अपने पीले पत्ते गिरा रहे हैं, मानो उस पीले पत्ते को गिराने को महाकवि कालिदास ने उन लताओं के द्वारा आंसू की बूंदों को टपकाना समझा कि शकुंतला के विरह में आश्रम की ये लताएं आंसू की बूंदें टपका रही हैं। ये जो मैंने बार बार कहा अन्योन्य प्रकृति के साथ जो संबंध महाकवि कालिदास ने एक मानव का दर्शाया है, वो अन्यत्र सर्वथा दुर्लभ है, और यदि प्राप्त होता है, अगर यह लब्ध है, तो यह केवल और केवल महाकवि कालिदास का अनुकरण है। तो मित्रों, ये बड़ी ही सुंदर है, आश्रम के वृक्ष, लताएं, पशु पक्षी, स्वजन प्रियजन सज्जन जो भी कह ले, सारे शकुंतला के विरह में दुखी हैं। और इस दुख में जो सबसे बड़ा दुख है वो तात कण्व का है।
मैंने पिछले व्याख्यान में यह कहा था कि प्रायः कहीं भी हम विश्व साहित्य में पुरुष की आंखों से, पिता की आंखों से पुत्री के विरह में हमने कभी नहीं आंसू टपकाते हुए देखा। हमने यह भी कहा कि माताएं, सखियां सभी आंसू टपकाते हैं, और यह परंपरा है, लोकाचार है, लोक व्यवहार में देखा जाता है कि पीड़ा की अनुभूति और उस अनुभूति का जो सर्वाधिक प्रदर्शन है वह नारी के माध्यम से दिखाया जाता है। किंतु महाकवि कालिदास ने पहली बार एक पिता की आंखों में आंसू दिखाया है। बेचारे कण्व अकेले हैं, कोई सहायक नहीं है, आत्मगत सोच रहे हैं कि आज शकुंतला चली जाएगी। इस अमर पद्य को हम लोग समझें, इस अमर पद्य को जानें कि किस प्रकार एक पितृ वेदना, मानो पूरी तरह से हृदय विदारक वेदना जिसे कहते हैं, वो ऋषि कण्व में परिलक्षित होता है। और ऋषि कण्व का वह पद्य है, यास्यत्यद्य शकुंतलेति हृदयम् संस्पृष्टमुत्कंठया, कंठः स्तंभित वाष्प वृत्ति कलुषश्चिंता जडम दर्शनम्, वैक्लव्यम् ममतावधि दृशमिदं स्नेहादरण्यौकसः, पीड्यन्ते कथं नु गृहिणः तनया विश्लेष दुःखैर्नवैः, पीड्यन्ते गृहिणः कथं नु तनया विश्लेष दुःखैर्नवैः। दूसरे शब्दों में, आज शकुंतला चली जाएगी, यह सोच करके ही मेरी सारी इंद्रियां निश्चिष्ट हो गई है। जो कंठ है वो गदगद हो चुका है, आंखें आंसुओं से अवरुद्ध हो चुकी है, और अपनी इस मनोदशा का सामंजस्य, मनोदशा की समानता वे गृहस्थों से लगाते हैं कि मुझ वनवासी अर्थात मुझ तपस्वी की अपनी इस पुत्री के विरह से जो उत्पन्न नया शोक है, इससे जब मेरी दशा ऐसी है तो गृहस्थाश्रम में रहने वाले लोगों की दशा कैसी होती होगी। सही अर्थों में यद्यपि विरह से उत्पन्न वेदना शब्दों में बयान नहीं होता, यह अनिर्वचनीय है। पीड़ा वेदना को शब्दों में अभिव्यक्त कर पाना सर्वथा दुष्कर है। यह महाकवि कालिदास यहां पर अपने शब्दों में बता देते हैं कि मेरी यदि दशा ऐसी है तो न जाने जो गृहस्थाश्रम में रहने वाले होते होंगे उनकी क्या दशा होती होगी। अस्तु, यह करुणाजन्य वातावरण है पूरे आश्रम में। करुणा की उस अनुभूति को महाकवि कालिदास ने कण्व के माध्यम से अभिव्यक्त किया है यहां पर। तो ये हम इसको कहते ऋषि कण्व की चिंता है कि आज शकुंतला चली जाएगी। मित्रों, यूं तो अगर हम देखें कि जब हमारी पुत्री की विदाई होती है तो हम उनको चार चरणों में देखते हैं, जिसमें प्रथम चरण है चिंता कि अब बेटी पतिगृह जाने योग्य हो गई है। दूसरी फिर क्या होता है कि जब हम ये तय कर लेते हैं कि अब बेटी की विदाई होनी है, पुत्री की विदाई होनी है, तो हम अपने स्वजनों को आमंत्रण देते हैं, निमंत्रण देते हैं कि आपकी वो पुत्री अब अपने पति गृह जा रही है, जो बचपन में कभी आपकी छड़ी लेकर के भाग जाती थी तो, या कभी आप आते थे तो आपको चाय लेकर के आती थी। तो इस प्रकार से बचपन की कहानियों से अपनी इस पुत्री के संबंध को हम स्थापित करने की कोशिश करते हैं, और तब जो हमारे वृद्ध स्वजन होते हैं उनको याद करके उस अवसर पर उपस्थित होते हैं स्नेहोपहार सहित। तीसरी व्यवस्था होती है कि जब अब पुत्री जा रही होती है तो माता पिता और स्वजन और अभिभावक जो होते हैं वह किसी न किसी रूप में अपनी उस पुत्री को समझाते हैं कि बेटी अब तो तुम सर्वथा नूतन घर में जा रही हो, वहां पर कैसे रहना है, तो इस प्रकार का उपदेश देते हैं। और साथ ही जिस नई जगह पे पुत्री जा रही होती है उस नई जगह के लोग और खास करके पति, जो एकमात्र पति ही इनके जान पहचान के होंगे, उनके लिए भी कुछ उपदेश देते हैं कि देखें कि ये तो कभी 11 बजे जगती थी, इनको खाना पीना बनाना नहीं आता है, इनको आदत नहीं है लोगों के साथ घुलने मिलने की। तो इस प्रकार की कुछ आवश्यक न्यूनताएं उभार करके पति और पतिगृह के स्वजनों को ये बतलाया जाता है कि धीरे धीरे वहां रख करके ये सीख जाएगी, और उसके आगे जो है वो सारे इनके व्यवहार पर निर्भर है। महाकवि कालिदास ने तत्कालीन समाज में गृहस्थाश्रम में विद्यमान इस कटु सत्य कह ले, सर्वथा सत्य कह लें, लोकाचार कह लें, लोक व्यवहार कह लें, इनको बड़े ही सुंदर शब्दों में संजोया है। और उसी का पहला जो चरण था ये यह था, यास्यत्यद्य शकुंतलेति हृदयम् संस्पृष्टमुत्कंठया। दूसरा, जैसा हमने कहा कि इनविटेशन अपने रिलेटिव्स को, अपने
जो स्वजन होते हैं उनके लिए एक प्रकार का ये संदेश है कि आप लोग आए। यह पद्य भी बड़ा ही सुंदर है और एसोसिएट करते हैं आश्रम में जो रहने वाले वृक्ष लता आदि है उनसे कि पातुम न प्रथमं व्यवस्यति जलम युष्मास्वपीतेषु या आद्ये वह कुसुम प्रसूति समये यस्या भवत्युत्सवः ना दत्ते प्रियमंडनापि भवताम स्नेहेन या पल्लवम सेयम याति शकुंतला पति गृहम सर्वैरनुज्ञायताम। मित्रों आखिर पंक्ति ले रहे हैं, कह रहे सेयम याति शकुंतला, सा यम शकुंतला अर्थात वह यह बेटी, वह यह पुत्री, कौन वह, तो उनका संबंध जोड़ते हैं कि जो ऐसी थी वो आज जा रही है पतिगृह, आप सभी आकर के आशीर्वाद दें। कौन शकुंतला, कौन से संबंध का एसोसिएट, किस संबंध की बातें, किस कहानी, किस गाथा, तो बड़े सुंदर शब्दों में महाकवि कालिदास ने उन आश्रम के वृक्षलताओं के लिए कहा है कि पातुम न प्रथमं व्यवस्यति जलम युष्मा स्वपीतेषु या, कि जब तक तुम लोगों को जलपान अर्थात तुम लता वृक्षों का सिंचन नहीं कर लेती थी तब तक जो जल तक नहीं पीती थी वो शकुंतला। और कौन शकुंतला, तो कहते आद्ये वह कुसुम प्रसूति समये यस्या भवत्युत्सवः, कह रहा है कि पुष्प की प्रथम कली खिलने के ऊपर ही, खिलने मात्र से ही जिनके लिए मानो एक फेस्टिव एनवायरनमेंट हो जाता था, उत्साह उमंग ऊर्जा से जो युक्त हो जाती थी वो शकुंतला अर्थात किसी भी प्रकार की शुभ सूचनाओं में जो सबसे अधिक प्रसन्न रहने वाली होती थी वो शकुंतला। और कौन, तो ना दत्ते वह प्रियमंडनापि भवताम स्नेहेन या पल्लवम, और कह रहे हैं कि यद्यपि जिनको आमंडन सजना सवरना अत्यंत प्रिय था लेकिन फिर भी इन पुष्पों को, तुम्हारे पुष्पों को जो शकुंतला नहीं तोड़ती थी, नहीं चुनती थी और उनसे सजती सवरती नहीं थी, वो शकुंतला आज पतिगृह जा रही है। सर्वैर अनुज्ञायताम, आप सभी आए और अपनी इस पुत्री शकुंतला को पतिगृह जाने के अवसर पर आशीर्वाद दें और उनको शुभ विदाई दें। भले ही हमने इस अर्थ के माध्यम से आज के इस लोकाचार को जोड़ने की कोशिश की लेकिन यदि शब्द बिंब को पकड़ा जाए, महाकवि कालिदास के इस शब्द सौष्ठव, इस पद्य सौंदर्य को देखा जाए तो निसंदेह महाकवि कालिदास उसी लोक व्यवहार, उसी लोकाचार की बात कर रहे हैं, भले ही पात्र मूर्त नहीं बल्कि वृक्ष लता तरु आदि हैं। मित्रों हम इस परिचर्चा को आगे बढ़ाएंगे और आगे जानेंगे इसी चतुर्थ अंक में और कौन कौन सी नई बातें हैं। बस कुछ क्षणिक विराम है, उसके बाद मिलते हैं। यहाँ पर हम डॉक्टर पंकज मिश्र को धन्यवाद देना चाहते हैं जिनके माध्यम से हम इस चतुर्थ अंक, जिसे हम एक्ट फोर कह रहे हैं, इसके तहत हमने बहुत कुछ जाना और मित्रों बहुत कुछ जानना बाकी है। आप सभी से अनुरोध है कि आप हमारे साथ बने रहें, हम हाजिर होते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। धन्यवाद।
नमस्कार दोस्तों, सीसी के इस लाइव लेक्चर में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मित्रों, आप सभी अवगत हैं, हम आज कालिदास के अभिजान शकुंतलम पर चर्चा कर रहे हैं और विशेष रूप से हम अंक चतुर्थ इस पर चर्चा कर रहे हैं। और इस सेशन के लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर पंकज मिश्र। मित्रों, अगर आप आज के विषय संबंधित कोई भी प्रश्न पूछना चाहते हैं डॉक्टर पंकज मिश्र से, तो आप सभी से अनुरोध है कि आप हमारे टोल फ्री नंबर के माध्यम से हमसे संपर्क करें। हमारा नंबर है 1800-1104-30। अब मैं डॉक्टर पंकज मिश्र का एक बार फिर स्वागत करना चाहूंगी और अनुरोध करना चाहूंगी कि आप व्याख्यान को आगे बढ़ाएं। थैंक यू। मित्रों, हमने कण्व की एक पीड़ा देखी, हमने कण्व का आमंत्रण निमंत्रण देखा। अब इसी बीच जो एक कह सकते हैं वातावरण में, जो मैंने हमने बार बार कहा करुणा का की स्थिति वहां पर विद्यमान है। शकुंतला के साथ उनकी सखियां अनसुया प्रियंवदा आती हैं, धीरे धीरे मार्ग पर बढ़ रही होती हैं। कहीं उनको कोई पुष्प वृक्ष दिखाई दे जाती हैं तो शकुंतला कहती हैं, हे सखी, अगर ये खिल जाए तो मुझे संदेश भिजवा देना। आगे बढ़ती जाती है, इसी बीच उसके पैर से एक हिरण का छोटा सा हिरण शावक बच्चा, उसका जो वस्त्र है वो वस्त्र खींच रही होती है, जिसके कारण शकुंतला की गति रुकती है। बेचारी शकुंतला भावुक होती है और रोती हुई रुधे हुए गले से कह बैठती है, पूछ बैठती है कि ये कौन है जो मेरे कपड़े से लिपटा हुआ है। उसी पे कण्व ऋषि जी उसके उस एसोसिएशन को, फिर से संबंध को वहाँ पर बताने की कोशिश करते हैं और ये कहते हैं कि ये वो तुम्हारा है कि जिनकी जन्म के समय ही जिनकी माता की मृत्यु हो चुकी थी और जिसके तुमने बड़ा किया खिला पिला करके, कुश नामक घास से जिसके मुख में घाव हो गया था, उस घाव में तुमने दवाई आदि लगा करके, औषधि आदि लगा करके जिनको तुमने पहला पोसा है, वह तुम्हारे पुत्र के समान। ये है सोयम न तव पुत्र, सोयम न पुत्र कृतक पदवी मृगास्ते। ते मृगा, ये जो है ये वो हिरण का बच्चा है जो तुम्हारे मार्ग में आ गया है, तुम्हारे मार्ग को नहीं छोड़ रहा है। पुनः वही बातें आती है, प्रकृति के साथ मानव का संबंध। दो मूल शब्द है, पहला शब्द तो यह निकल कर आता है कि महाकवि कालिदास ने शकुंतला और हिरण शावक के मध्य माता और पुत्र का एक संबंध यहां पर दर्शाया है। आश्चर्य है कि ऐसा भी चिंतन है कि जहां पर हमें आश्रम के वृक्ष, आश्रम के अपने घर के पशु पक्षियों के प्रति स्वजन का संबंध, ये केवल महाकवि कालिदास दिखाता है और वह पुत्र शब्द वहां पर प्रयोग में लाया है हिरण के बच्चे के लिए। दूसरी प्रमुख बात यह है कि उस हिरण शावक में जो अनुभूति दिखाई है, उनको भी यह अनुभूति हो गई है कि आज के बाद शकुंतला नहीं रहेगी, इसलिए वह उनके मार्ग में आकर के खड़ा हो जाता है, उनके मार्ग में व्यवधान उत्पन्न करता है और जिसको कहते हैं कि ना जाओ वाली स्थिति है, उस मूक प्राणी में इस अभिव्यक्ति को महाकवि कालिदास ने दर्शाया है। कहानी आगे बढ़ती है, शकुंतला बढ़ती जाती है, आश्रम के वृक्ष लता आदि से मिलते जाते हैं, स्वजनों से मिलते हैं। इसी बीच में शकुंतला के पैर वहां लड़खड़ा जाते हैं और लड़खड़ाने के बाद गतिभंग होता है। कण्व ऋषि जी को ये बातें जचती नहीं और उस अवसर पर शकुंतला को कण्व ऋषि बड़े ही सुंदर शब्द में समझाने की कोशिश करते हैं कि तुम अपने आंसुओं को रोक लो, क्योंकि वह जो आंसू है वो तुम्हारे आंखों के सामने आते हैं, जिससे तुम्हारी दृष्टि अवरुद्ध होती है और सामने का मार्ग तुमको दिखाई नहीं देता। और वो सामने का मार्ग ही नहीं है बल्कि पंक्ति है, अस्मिन नलक्षित नतो नत भूमि भागे, नत और उन्नत भूमि भागे, उबड़ खाबड़ इस मार्ग में, इस प्रदेश में तुम्हारा जो है, कहते हैं मार्गे पदानी खलुते विषमी भवंती, तुम्हारे जो पैग है, जो तुम्हारे जो स्टेप्स हैं, तुम्हारे जो कदम हैं, तुम्हारे जो पैर हैं, वे लड़खड़ा रहे हैं। मित्र, जरा इसे हम गंभीरता से लेते हैं, यह केवल आश्रम के उस पृथ्वी तल की चर्चा कदाचित महाकवि कालिदास नहीं करना चाहते कि वो ये बता रहे हों कि बेटी शकुंतला तुम अपने आंखों के आंसुओं को रोक लो और आगे के रास्ते तुमको दिखाई नहीं दे रहे।
मैं सविशेष इसमें एक भाव लेता हूं, अर्थ लेता हूं, शायद अन्यत्र इस प्रकार की चर्चा नहीं प्राप्त होती है। कम से कम मैंने जितना अभिज्ञान शाकुंतलम पढ़ा है उसमें कहीं भी इस प्रकार की व्याख्या प्राप्त नहीं होती कि जब वो कह रहे ना कि अस्मिन् नलक्षित नतोन्नत भूमि भागे मार्गे पदानि खलुते विषमी भवन्ति, तो निस्संदेह जीवन में जो आने वाले जो मार्ग हैं, जिस नूतन जीवन में ये प्रवेश कर रहे हैं, उस नूतन जीवन के जो मार्ग हैं वे ऊंच नीच से भरे हैं, वे उत्थान पतन से युक्त है। और उस उत्थान पतन से युक्त नूतन मार्ग को शकुंतला ने नहीं देखा, इसलिए महाकवि कालिदास ने वहां पर अलक्षित शब्द प्रयोग किया कि नलक्षित मार्ग इति अलक्षित। तो कह रहा है नतो नत, और कैसा है मार्ग, उबड़ खाबड़ से युक्त। और हम आप सभी जानते हैं कि जो नूतन जीवन होता है, जो गार्हस्थ्य जीवन होता है, जब तक पति पत्नी के बीच विश्वास सेतु कायम नहीं हो जाता, जब तक वहां के स्वजनों के मध्य एक सामंजस्य स्थापित नहीं हो जाता, तब तक किसी ना किसी प्रकार का वैषम्य बना ही रहता है संबंधों के मध्य, स्वजनों के मध्य। तो एक इसकी ओर इशारा किया जाना कण्व ऋषि के द्वारा, और तभी कहते हैं कि उस मार्ग में तुम्हारे पैर अभी से लड़खड़ा रहे हैं। क्यों? क्योंकि शकुंतला को त्वरा है दुष्यंत से मिलने की, और इस त्वरा का संकेत स्वयं महाकवि कालिदास ठीक इसके बाद देते हैं, जिसमें ऐसा होता है कि पुनः आगे बढ़ रही है शकुंतला, आश्रम से निकल चुकी है, रास्ते में एक सरोवर दिखता है, उस सरोवर से चक्रवाकी की आवाज सुनाई पड़ती है, टर 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 आदि आवाज। और चकवा और चकवी का जो प्रेम संबंध है वो संस्कृत साहित्य में अमर है, और महाकवि कालिदास ने इसे चकवा चकवी के संबंधों का भरपूर यहाँ प्रयोग किया है, अन्यत्र भी संस्कृत साहित्य में प्राप्त होता है। महाकवि वाल्मीकि ने भी राम और सीता के मध्य इस चक्रवाक भाव को उत्पन्न किया है सुंदरकांड में, जब वो कहते हैं कि हिमहत नहली, जब वो कहते हैं हिमहत नलिनीव नष्ट शोभा व्यसन परंपराया निपीड्यमाना सहचर रहितेव चक्रवाकी जनक सुता कृपणाम दशाम प्रपन्ना। तो वहां पर भी महाकवि वाल्मीकि ने सहचर रहिता चक्रवाकी की बातें कही है, और उसी भाव को मानो महाकवि कालिदास यहां पर भी प्रयोग में ला रहे हैं। और उस प्रयोग में लाते हुए कहते हैं कि ये जो चकवी की जो आवाज सुनाई पड़ रही है, उसी पर टिप्पणी करते हुए शकुंतला कहती है कि जब इस चक्रवाकी की यह दशा है तो मानो दुष्कर्म अहम करोमि, यानी मैं शकुंतला अत्यंत कठोर व्रत कर रही हूं, क्योंकि यह चकवी भी एक क्षण के लिए अपने पति अर्थात चकवा के बिना नहीं रह पा रही, और उसी विरह के कारण यह इसका करुण क्रंदन सुनाई पड़ रहा है। तो मैं शकुंतला इतने दिनों तक अपने पति के बिना यहां रह गई, दुष्कर्म अहम करोमि, निश्चय ही मैं दुष्कर कार्य कर रही हूं, कठोर व्रत कर रही हूं। और तदनुसार उसी को ध्यान में रख के शकुंतला में अपने पति से मिलने की त्वरा और अधिक बढ़ जाती है। स्वभाव से ही शांत, गंभीर, निश्चिंत, धैर्यवती, अनसुया बहुत ही सुंदर जवाब देती है कि एषापि प्रियेण विना गमयति रजनीम विषाद दीर्घतराम गुर्वपि विरह दुःखमाशबन्ध साहयति। कह रहा है कि ये ऐसा भी प्रियेण बिना, यानी यह जो चकवी है यह भी प्रिया के बिना जो दुखों की भरी रात है उस रात को बिता लेती है। दूसरे शब्दों में यह जो आशा रूपी बंधन है वो कितना भी भयंकर दुख क्यों ना हो, आशा सदैव उस दुख के क्षण में सहायता देती है। तो मित्रों, एक प्रकार से यह पंक्ति कही गई शकुंतला के लिए कि सखी शकुंतला आशा बंधो, विश्वास रखो, तुम्हारे भी जो दुख के क्षण हैं वो दूर होंगे। लेकिन यहां जो दुख के क्षण हैं, ये दुख का क्षण केवल विरह से उत्पन्न दुख है, ये दुख नहीं है कि शकुंतला के शाप के बाद जो शकुंतला का संघर्ष उत्पन्न होगा ऐसा दुख, ये दुख केवल इतना है कि तुम जो इतने दिनों से पति से दूर रही हो वो पति तुम्हें शीघ्र मिल जाएंगे, उस पति की तुम्हें शीघ्र प्राप्त होगी। जिस प्रकार यह चकवी दुख की लंबी रात को बिता देती है अपने प्रिया के बिना, तो मानो तुम भी अपने इस जो क्षण है, जिस क्षण में तुम पति से दूर रही हो वो तुम बिता दोगी, तुम उससे दूर हो जाओगी। ये बातें चलती है आगे, जैसा हमने कहा कि सरोवर आदि आते हैं और शारंगरव कहते हैं कि भाई जो सरोवर जो होते हैं वहां से एक जो क्षीरोदक होते हैं उनको देखने के बाद स्वजन सामान्यतया परंपरा में लौट जाते हैं। आज भी हमारे यहाँ अगर सामुद्रिक शास्त्र देखा जाए, अगर शुभ शकुन अपशकुन बात हम करें, तो इसमें एक बात जरूर आती है कि जल को परम शुभ माना जाता है। परम शुभ से तात्पर्य यह है कि विदाई वेला में सरोवर का दर्शन हो जाए,
नदी का दर्शन हो तो उसे शुभ माना जाता है, मंगलमय माना जाता है। और यही कारण है कि कई आज भी ग्रामीण परिवेश में जब कोई व्यक्ति कहीं की यात्रा करना शुरू करता है तो वहाँ पे नारियाँ, छोटी बहनें, जो भगिनी हैं, बहन आदि, छोटे जो बच्चे हैं, वो हाथ में कलश लेकर के खड़े होते हैं ताकि जो यात्रा कर रहे हैं उनकी यात्रा मंगलमय हो। तो वो परंपरा जो भारतीय संस्कृति में है, महाकवि कालिदास उनको कभी भी नहीं छोड़ते, उनका कभी भी त्याग नहीं करते। और सरोवर को देखने के बाद वो कहते हैं कि सर, सरोवर आया है, ये शुभ है, अब हमें यहां से लौटना चाहिए। लेकिन इस लौटने की घड़ी से पूर्व कण्व ऋषि, जो ऋषि हैं, संयम धन हैं, तपस्वी हैं, उनको भी लोकाचार का ज्ञान है और वो रुक करके कहते हैं, शारंग रव, हमें कुछ तुमको संदेश देना है। और यह संदेश शारंग रव के लिए नहीं है, बल्कि शारंग रव को यह कहा जाता है कि मेरे इस संदेश को तुम राजा दुष्यंत को सुना देना। और वह संदेश वाक्य क्या है? वह संदेश यही है, एक तरह से उपदेश है, और उपदेश दोनों पक्षों के लिए है। मित्रों, जैसा कि हमने शुरू में चार भागों में बांटा था कि चिंता, उसके बाद आमंत्रण, अब क्या होता है कि जिस जगह जा रही है शकुंतला, वहां के लोगों को आश्वस्त करना कि मेरी बेटी सब चीज आपके अनुकूल ढल के रच बस जाएगी आप लोगों के साथ, और चौथी कि पुत्री को भी क्या वहां पर करना है, तो पुत्री को भी उपदेश दिया जाना है। लेकिन सबसे प्रथम, सबसे पहले कण्व ऋषि दुष्यंत के लिए संदेश भेजते हैं। वो भी संदेश अमर संदेश है, वो भी पंक्ति अनुकरणीय पंक्ति है। संस्कृत साहित्य में इसकी बहुत तारीफ हुई है, और जो कभी कभी चर्चा आती है जिसमें कहा जाता है कि तत्र श्लोक चतुष्टयम, तत्र पद्य चतुष्टयम, तो उसमें यह भी एक पद्य है जिसे गिना जाता है। यह देखें क्या है यह पद्य, अस्मान साधु विचिंत्य संयम धनानुच्चै कुलम चात्मनस त्वयस्याह कथमप्यबान्धव कृताम स्नेह प्रवृत्तिम चताम सामान्य प्रतिपत्ति पूर्वकमियम दारेषु दृश्या त्वया भाग्यायत्त परम भाग्यायत्त मतः परम न खलु तद वाच्यम बधु बंधुभि। मित्रों, संदेश केवल यह है कि हे राजा दुष्यंत, हम लोग संयम रूपी धन वाले हैं या संयमित धन वाले हैं, आप ऊंचे कुल के हैं, इस शकुंतला ने अपने गुरुजनों से सहमति लिए बिना आपके प्रति स्नेह प्रवृत्ति दिखा दी और आपसे विवाह कर लिया, इसलिए आज के बाद से एक सामान्य विश्वास के साथ आप इसे अन्य रानियों के साथ रखना। दूसरे शब्दों में, ना तो इसे बहुत ऊंचा दर्जा दे देना अपनी अन्य रानियों के उसमें संदर्भ में, और ना ही इसे अन्य रानियों के संदर्भ में इसे नीचा दिखाना। दूसरे शब्दों में, अपनी अन्य पत्नियों के साथ तुम्हारा जैसा व्यवहार है उसी प्रकार का व्यवहार शकुंतला के साथ भी रखना। उसके बाद भाग्यायत्तमतः परम, भाग्य के अधीन है, और उस भाग्य के अधीन रहने वाले तत्वों के विषय में बंधुजनों को नहीं कहना चाहिए। दूसरे शब्दों में, मैं इस सत्य को जानता हूं कि शकुंतला का व्यवहार यदि अच्छा होगा तो अपने भाग्य से वो महारानी पद को प्राप्त कर लेगी, और अगर व्यवहार अच्छा नहीं होगा तो स्वाभाविक है कि लोगों के यह प्रेम का विषय नहीं बन पाएगी। और इस संदर्भ में हम जैसे लोगों को, कण्व सदृश लोगों को, या समाज के जो अभिभावक हैं, ऐसे लोगों को यह नहीं कहना चाहिए कि हमारी बेटी को कैसे रखना है। बस मेरा एक सामान्य शब्द यह है कि अन्य रानियों के साथ समान व्यवहार पूर्वक आप शकुंतला को भी रखना। दुष्यंत के लिए यह संदेश है, जो संदेश शारंग रव मिश्र लेकर के जाएंगे। लेकिन शकुंतला को भी कुछ कहना है। एक बड़ी अच्छी बात है, दुष्यंत को कहे जाने के समय में इन्होंने कहा कि त्वय्यस्याह कथमप्यबान्धव कृताम स्नेह प्रवृत्तिम चताम अबान्धव कृताम स्नेह प्रवृत्तिम, अर्थात अपने मम्मी पापा, अपने स्वजनों, अपने अभिभावकों को विश्वास में लिए बिना इन्होंने तुम में अपना स्नेह दर्शाया, प्रणय किया। दूसरे शब्दों में, कण्व ऋषि के मन में कहीं ना कहीं यह बात है कि काश शकुंतला हम लोगों से पूछ करके दुष्यंत से शादी की हुई होती। तो इसलिए शकुंतला जो है प्रोन है, वो वल्नरेबल है गलती करने के लिए। इसलिए शकुंतला त्वमपि शासनी आसी, हे शकुंतला तुमको भी उपदेश दिया जाना है, तुमको भी संदेश दिया जाना है, तुम्हारे ऊपर भी शासन किया जाना है। तो कण्व ऋषि शकुंतला को भी बताते हैं कि आज
तक जो तुमने अपनी जिंदगी बिताई, अब उनसे बाहर निकलो और आने वाले जिंदगी का साक्षात्कार करो। एक तुम भरे पूरे परिवार में जा रही हो, वहां कैसे जीवन बितानी है उसकी चिंता करो। और तदर्थ बड़ा ही सुंदर सूत्रात्मक वाक्य जिसे कहते हैं, ऑल्दो आज के परिप्रेक्ष्य में हम इसका विरोध कर सकते हैं, लोग इसका विरोध कर सकते हैं कि इस तरह की बातें क्यों की जा रही है, लेकिन मित्रों हम लोग सभी जानते हैं कि हमारा जो परिवार है, भारतीय संस्कृति में जो परिवार है, वही हमारा सबसे बड़ा बल है, वही हमारी सबसे बड़ी शक्ति होती है। और अगर उस शक्ति में किसी भी प्रकार का विखंडन होता है तो वो शक्ति क्षीण पर जाती है। तो उस परिवार को सशक्त करने के लिए हर मनुष्य को, हर व्यक्ति को कुछ ना कुछ त्याग, कुछ ना कुछ बलिदान देना ही होता है। और यह त्याग का मतलब इस तरह नहीं है कि आप अकूत धन संपत्ति किसी को दे दो, नहीं, ये हमारा व्यवहार होता है जिसमें कहीं ना कहीं हमें अन्य लोगों के व्यवहार के साथ अपने व्यवहार को मिलाना होता है। और जब दो व्यवहार समान होते हैं तो सुख और समृद्धि वहीं बसती है। और साथ ही हम कहते हैं कि वही परिवार सत्यम शिवम और सुंदरम की भावना से अभिप्रेरित होती है। तो इसी भावना से कदाचित महाकवि कालिदास ने कण्व ऋषि को यह अमर संदेश दिया जो कि पुत्री की विदाई के अवसर पर पुत्रियों को दिया जाना चाहिए या पुत्री को कण्व ऋषि के माध्यम से दिया गया है। वो पद यह है, शुश्रूषस्व गुरुन कुरुप्रिय सखी वृत्तिम सपत्नी जने भरतुर विप्रकृतापि रोशन तया मास्म प्रतीपम गमः भूयिष्ठं भव दक्षिणा परिजने भाग्ये श्वनत सेकिनी यान्त्येवं गृहिणी पदं युवतयो वामाह कुलस्याधय। मित्रों महाकवि कालिदास कहते हैं शकुंतला के माध्यम से कि शुश्रूषस्व गुरुन वृद्धजनों की सेवा करना, शुश्रूषस्व गुरुन गुरु यानी गुरुओं, गुरु का मतलब यहां टीचर नहीं अर्थात समाज के जो वृद्ध पुरुष हैं उनकी सेवा करना, प्रिय सखी वृत्तिम सपत्नी जने कुरु और जो तुम्हारे जो सौत जो दुष्यंत की अन्य पत्नियां हैं उनके साथ बेस्ट फ्रेंड की तरह व्यवहार करना। प्रिय सखी शब्द यहां पे महत्वपूर्ण है, प्रिय सखी अर्थात अनसूया प्रियंवदा, कि जिस प्रकार तुम्हारा व्यवहार अनसूया और प्रियंवदा के साथ रहा है उसी प्रकार का व्यवहार तुम दुष्यंत की अन्य रानियों के साथ करना, वो तुम्हारी फ्रेंड होंगी और वही तुम्हारी सुख दुख की सहभागिनी, सुख दुख की साथी होंगी। फिर कहते हैं भरतुर विप्रकृतापि रोशनतया मास्म प्रतीपम गमः। मे भी यहां पर क्वेश्चन हो सकता है कि स्वामी अगर क्रोध में रहे तो तुम उसके विपरीत आचरण मत करना, हो सकता है कि इसमें दोष हो, लोग कहे कि पति अगर क्रोध करे तो मैं क्यों उनकी बात चुपचाप सुन लूं, लेकिन हो सकता है कि इसके मध्य कोई व्यवस्था हो कि जब वो क्रोध करे तब तुम क्रोध नहीं करना, बाद में तुम भी गुस्सा सकती हो। हालांकि यह लिखा हुआ नहीं है लेकिन एक अनुमान से ऐसी व्याख्या की जा सकती है। और सामान्य रूप से सामंजस्य के लिए यह आवश्यक है कि जब एक व्यक्ति क्रोध करता है और दूसरा व्यक्ति भी अगर उसको क्रोध में जवाब देता है तो हम लोग जानते हैं वो महान संघर्ष उत्पन्न होता है, और जब महान संघर्ष उत्पन्न होता है तो केवल विनाश को लाता है। तो मे भी महाकवि कालिदास ने इस तथ्य को समझाने के लिए यहां पर संक्षिप्त सांकेतिक रूप उन्होंने दिया कि भरतुर विप्रकृतापि रोशनतया मास्म प्रतीपम गमः। दूसरी तीसरी पंक्ति में कह रहे हैं भूयिष्ठं भव दक्षिणा परिजने, स्वजनों के प्रति सरल हृदया बनना। ये दक्षिणा जो है, दक्षिणा सरल हृदय, दया भाव से युक्त होना अर्थात सबके प्रति दया भाव रखना। परिजन का एक अर्थ सेवक भी है और परिजन का दूसरा अर्थ हम पारिवारिक जन भी ले सकते हैं। तो उन सबके प्रति सौहार्द पूर्ण भावना रखना। और आखिरी सूत्र भाग्यश्वनत सेकनी, भाग्य पे कभी घमंड मत करना, भाग्य पे कभी इतराना नहीं। भाई भाग्य पे घमंड का पूरा है यहां पर स्कोप, क्योंकि चक्रवर्ती राजा की पत्नी है तो क्यों नहीं घमंड होगा। लेकिन महाकवि कण्व जो धरातली है, जो जीवन से जुड़ा हुआ व्यक्तित्व है, वो शकुंतला को मानो समस्त जीवन का जो एक निचोड़ अनुभव वाक्य है वो शकुंतला को संप्रेषित कर रहे हैं और कहते हैं कि भाग्य पे कभी घमंड नहीं करना। और मित्रों हम आप सभी जानते हैं कि घमंड व्यक्ति को नष्ट करके रख देता है। उदाहरण ले लीजिए, जिस किसी ने भी घमंड किया, चाहे वो रावण हो, चाहे वो दुर्योधन हो, चाहे वो कंस हो, किसी का हित नहीं हुआ। तो व्यक्ति को जमीन से जुड़ करके सामान्य जीवन बिताना चाहिए, यही मानो महाकवि कालिदास ने कण्व ऋषि के माध्यम से और पुत्री रूप शकुंतला को वहां पर स्थापित करके यह संदेश सामान्य व्यक्ति के लिए दिया।
और अंत में एक निष्कर्ष वाक्य है, वो इससे भी सुंदर है। वो कहते हैं यान्त्येवं गृहिणी पदम युवतयो, अर्थात जो नारियां जो नई शादी की हुई जो स्त्रियां होती हैं, युवतियां होती हैं, इस प्रकार के आचरण से गृहिणी पद को प्राप्त होता है। यहां पर गृहिणी पद का अर्थ, यद्यपि तो गृहिणी यानी स्त्री होता है, घर को संभालने वाली होती है, लेकिन गृहिणी पद जो है यहां पर सम्मान सूचक शब्द है, अर्थात अत्यंत सम्माननीय परिवार की बन जाती है जो ऊपर कही गई बातों का आचरण करे। वामाह कुलस्याधय, और जो इसके विपरीत आचरण करते हैं, वामाह वाम शब्द प्रतीप आचरण करने वाले, अर्थात सामान्य अनुशासन, सामान्य सभ्यता, सामान्य संस्कृति के विरुद्ध आचरण जो होता है वह वाम होता है। तो वामाह यहां पर स्त्रीलिंग में है, बहुवचन है, कि इस प्रकार की स्त्रियां अर्थात ऊपर कही गई बातों के विपरीत आचरण करने वाली जो स्त्रियां होती है, कुलस्य आधय, परिवार के लिए मानसिक रोग के समान बन जाती हैं। देखें कितना निष्कर्ष वाक्य है, बड़ी लंबी चौड़ी व्याख्याएं हो सकती है, कई सारी टिप्पणियां बन सकती हैं, कई सारे वाद, कई सारे विवाद, कई सारे संवाद बनाए जा सकते हैं। हमें केवल यहां पर इस संदर्भ मात्र में इसके अर्थ को, निहितार्थ को लेना है। किस प्रकार तपस्वी रूप कण्व ऋषि इस प्रकार के अनुभव वाक्य अपनी पुत्री शकुंतला के सुखद जीवन के लिए उनको दे रही है। अस्तु, तो इस प्रकार ये दो बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश हैं, और अन्य समीक्षकों के साथ मैं भी इन दोनों पद्यों को भी चार श्रेष्ठ पद्यों में गिनता हूं, और ये दोनों भी उसी अमर पद्य की श्रेणी में हैं जिसके लिए किसी ने टिप्पणी की कि तत्र श्लोक चतुष्टयम्। मित्र, इसके बाद शकुंतला के मन में कुछ संदेह होता है, संदेश के बाद। वो संदेह संदेह नहीं है, बल्कि वह एक विरहजन्य जो मन में बातें उभरती है, उनको भी लग रहा है कि आज इस जगह को छोड़ करके मैं जा रही हूं, पता नहीं अपनी माता पिता स्वजन सखी संबंध से कब भेंट होगी। मित्रों, ये आज का माहौल नहीं है, आज का वातावरण नहीं है कि अपने घर छोड़ करके पतिगृह जाने के बाद फिर दोबारा भेंट ना हो। प्रतिक्षण हम आप साथ रहते हैं, समय बदला है, लेकिन प्राचीन काल में जब एक बार पुत्री घर से बाहर निकल जाती थी तो 25-25, 30-30 वर्षों तक, 40-40 वर्षों तक अपने पिता के मुख का दर्शन नहीं होता था। और इस कटु सत्य को जानने वाली शकुंतला कैसे अपने को रोक पाएगी, और उनके मन में कैसे यह संदेह नहीं, कैसे यह प्रश्न उत्पन्न नहीं होगा कि आगे हमें क्या करना है। वो पहला प्रश्न है जो आपके सामने मैं प्रस्तुत कर रहा हूं, वो पहला प्रश्न यह है कि शकुंतला कहती है कि जिस प्रकार मलय पर्वत से उखड़ी हुई चंदन की लता किसी भिन्न देश में अपने जीवन को धारण नहीं कर पाती, उसी प्रकार मैं शकुंतला आप लोगों से दूर रह करके उस भिन्न प्रदेश में अपने जीवन को कैसे बिता पाऊंगी, अपने जीवन को कैसे धारण कर पाऊंगी। सरल और सहज शब्द में कि पिता आपके बिना हम कैसे वहां अपने जीवन बिताएंगे। पुनः एक अनुभव वाक्य, पुनः ही बड़ी ही सुंदर बातें। देखिए मित्रों, क्या होता है, जो समय है ना वो बीते हुए घावों को भर देता है। समय ही एक ऐसा है जिसमें कि हम अपने पीछे के सारे कष्टों को भूल करके और फ्रेश होकर के एक नए जिंदगी में चले जाते हैं। उसी का मानव आधार बना करके ऋषि कण्व शकुंतला को यह उपदेश देते हैं, और बड़ा ही सुंदर वो पद्य है कि अभिजन वतो भर्तु श्लाघ्ये स्थिता गृहिणी पदे विभव गुरु भी कृत्यैस्तस्य प्रतिक्षण माकुला तनयम अचिरात प्राची वारकम प्रसूय च पावनम मम विरह जाम नत्वं वत्से शुचम गणयिष्यसि। दूसरे शब्दों में, भाई तुम अपने श्रेष्ठ पति के श्रेष्ठ कुल में रहोगी, उस श्रेष्ठ कुल में रहते हुए इतने कार्य तुम्हारे सामने उपस्थित होंगे कि उस कार्य में 24/7 तुम अपने आप को इन्वॉल्व रखोगी। इसी बीच तुम एक पुत्र को जन्म दोगी, उस पुत्र के स्नेह पालन पोषण में तुम इतना लीन हो जाओगी कि हे पुत्री शकुंतला, मेरे विरह में जो उत्पन्न तुम्हारे शोक हैं, उस शोक के ऊपर में तुम्हारा कभी ध्यान ही नहीं रहेगा। वस्तुतः यही जीवन व्यापार है,
हम कहीं भी जिंदगी बिताएं, वहां के कर्तव्यों में रहते हुए, वहां के कर्तव्यों का पालन करते हुए हम अपने जो पीछे की सारी जिम्मेवारियां या पीछे के सारे संबंधों को भूल जाते हैं। संबंध नहीं टूटते, लेकिन उस राग अनुराग से दूर एक नए अनुराग अनुराग का हम वातावरण का निर्माण कर लेते हैं। महाकवि कालिदास ने शकुंतला के लिए यह संदेश दिया कि जिस जगह पे जा रही हो उस जगह की सुख सुविधाओं में अपने को डालते हुए हम लोगों को तुम भूल जाओगी, हम लोगों को नहीं भूल जाओगी, हमारे विरह से जो उत्पन्न तुम्हारे शोक है उस शोक को तुम भूल जाओगी। पुनः एक और प्रश्न है, और वह प्रश्न है शकुंतला का फिर कि तात कण्व, आपका दर्शन हम कब करेंगे, फिर दोबारा आपसे कब भेंट होगी, यानी आपको हम कब देखेंगे मिलेंगे। आप देखें कण्व ऋषि का जो इस पे उत्तर है और शकुंतला का जो ये प्रश्न है, मैंने उसी भावना की बात कही कि पुराने जमाने में सदियों लग जाते थे अपने स्वजनों से मिलने में, उसी की ओर यह संकेत है। और महर्षि कण्व का एक और सुंदर सा वचन है शकुंतला को कहते हैं, जिसके माध्यम से जो तृतीय आश्रम है वानप्रस्थ की ओर संकेत दिया जा रहा है कि भूत्वा चिराय चतुरंतम ही सपत्नी दौष्यंतिम प्रतिरथम तनयम निवेश्य। मतलब कहते हैं कि जो राजा दुष्यंत है, उस चक्रवर्ती राजा दुष्यंत की एक पत्नी तो पृथ्वी है, उस पृथ्वी का सौतन बनके और दुष्यंत के पुत्र को उत्पन्न करके भर्त्रा तदर्पित कुटुंब भरेण सार्धम, और राजा दुष्यंत जब अपने उस पुत्र के ऊपर स्वजनों की जिम्मेवारी डाल देंगे, शांते करिष्यसि पदम पुनराश्रमेस्मिन, उसके बाद तुम इस शांत आश्रम में अपने कदम रखोगी। दूसरे शब्दों में कि जब आप पुत्र को जन्म देंगे, पुत्र को राजा बना देंगे, तब आप आना। मित्रों, ये कण्व ऋषि के प्रत्युत्तर हैं शकुंतला के प्रश्न का। कुछ अंश और बचते हैं जिनको हम आगे के संदर्भ में पूरा करेंगे। मुझे लगता है कि चतुर्थ अंक को समझने में जो एक स्वाभाविक समस्या होनी चाहिए थी, उस समस्या को हमने इस अपने नए कह सकते हैं वर्णन के माध्यम से दूर करने का प्रयास किया है। आशा है अन्य व्याख्यान की तरह यह व्याख्यान भी आपके लिए उपादेय होगा, पाथेय होगा। आपने सुना, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। और हम धन्यवाद देना चाहेंगे डॉक्टर पंकज मिश्र का, जिनके माध्यम से हमने आज के इस व्याख्यान को पूर्ण किया। मित्रों, आप सभी से अनुरोध है कि आप अगर इस लेक्चर संबंधी कोई भी प्रश्न पूछना चाहते हैं या अपनी प्रतिक्रिया देना चाहते हैं तो हमें लिख भेजें info.cec@nic.in पर। आप सभी मित्रों से फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार। नमस्कार।